हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज आप सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ खड़ी हूँ। बेसिकली तो मैं हूँ द रॉयल लंदन हॉस्पिटल। तो गाइस, उसके पीछे हूँ बेसिकली मैं। सो फ्रंट नहीं दिख रहा होगा आपको। तो गाइस, आज मैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस के लिए यहाँ आई हूँ, बिकॉज़ ऑफ माई सिस्टर। तो गाइस, लोग दुखी हो के आते हैं। हम भी कोई टाइम पहले दुखी थे, जब हम यहाँ से जाते थे हमें ना मिलती थी कि नहीं लग सकते। तो आज मैं आई हूँ यहाँ वीरा के ब्रेसेस लगवाने, आफ्टर लाइक वेरी लॉन्ग टाइम। इट्स बिन लाइक इयर्स कि उसके ऊपर के लग गए थे, नीचे के ब्रेसेस नहीं लग पाए थे। कुछ अलग अलग प्रॉब्लम डॉक्टर बता देते थे और फिर उसको रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, तो इसलिए वो नहीं लग पाते थे। पर आज गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है कि वीरा के ब्रेसेस नीचे के लगने वाले हैं। अब मम्मा वीरा के साथ ऊपर है, उसका ट्रीटमेंट करवा रही है और मैं यहाँ नीचे आप लोगों को ये सब बातें बताने आई हूँ। सो गाइज, आई एम सो ग्लैड कि फाइनली उसकी वेटिंग अब खत्म हुई है और अब वो ऊपर अपने ब्रेसेस लगवा रही है। तो गाइज, अब मैं जा रही हूँ वीरा के पास, मैं जा रही हूँ ऊपर वीरा के पास। चलो। तो गाइज, अभी मैं लिफ्ट की ही वेट कर रही हूँ। पता नहीं कब आएगी, कौन सी वाली आएगी। यार, तीन तीन लिफ्ट्स है। तो गाइस, लिफ्ट मेरी आ चुकी है। अब मैं जाऊंगी फर्स्ट फ्लोर में, बिकॉज़ कसवीरा का ट्रीटमेंट फर्स्ट फ्लोर में ही हो रहा है। बंद हो जा, सेम सेम। तो गाइस, मैं जो पहुंच चुकी हूँ फर्स्ट फ्लोर में। अब मैं जा रही हूँ, आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स वीरस थिंग। तो गाइज, मैं कर रही हूँ वेटिंग एरिया में वेट, बिकॉज़ वीरा का नंबर आ चुका था। एंड आई एम जस्ट वेटिंग कि मैं भी जल्दी से अंदर चली जाऊँ, देखूँ वीरा का प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है। एंड आई एम जस्ट एक्साइटेड फॉर हर एंड हैप्पी फॉर हर सो मच, बिकॉज़ उसने बहुत ज़्यादा वेट किया था इस आज के दिन के लिए। सो यस। तो गाइज, मैं अंदर जा रही हूँ। तो गाइज, मैं अंदर जा रही हूँ। मम्मी आ गई है अचानक, पता नहीं कैसे आई है। अब तक फोन लेने में। तो गाइज, मैं वीरा को मिल आई हूँ। वैसे भी वहाँ कोई वीडियोस फोटोज नहीं बना सकते, बट शी इज गुड, उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। एंड शी इज टच विद रियली रियली हैप्पी, मेरी नज़र ना लग जाए उसे। एंड आई थिंक मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश है। अब वो थोड़ी देर में ही आ जाएगी बाहर। सो फिर मैं आपको दिखा दूंगी उसके ब्रेसेस कैसे लग रहे हैं उसके ऊपर। तो गाइज, देखो वो सामने से वीरा आ रही है मम्मा के साथ, एंड शी इज हैप्पी। हाँ यार, फाइनली। आओ गाइज, बैठो, मैं बोशो, मैं तारा इंटरव्यू ला लेनी है। ना हो वो में अब हम फर्स्ट गुड न्यूज इज के फाइनली 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 हमारे वीरा के नीचे के ब्रेसेस ब्रेसेस लेके लग चुके हैं आफ्टर 3 to 4 लॉन्ग अटेम्प्ट्स। गाइस, ये 4 बार उसका रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने। लिटरली हम 2 बार तो वहां से रो के निकले हुए हैं। आज हम फर्स्ट टाइम भी हंस रहे होंगे। तो फाइनली इसके नीचे के ब्रेसेस लग गए आफ्टर अबाउट 9 months, जब दोनों साथ लगने चाहिए थे, लेकिन हम पीछे गिर गए। लाइक लॉन्ग 9 months, नाइन एंड मंथ्स इट वाज रियली हार्ड, बट फाइनली आज लग गए हैं एंड हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं। तो पार्टी, आज की पार्टी हमारे तरफ से। पहले हम जाएंगे मंदिर, गणेश जी को हम लड्डू चढ़ाएंगे, लड्डू बिकॉज हमने मान्यता मांगी थी कि अगर लग जाएंगे तो हम डेफिनेटली मंदिर जाके वहां पे लड्डू बाबू जी को चढ़ाएंगे। तो आओ गाइस, मुझे तो भी दो लव्स के लिए। आई एम क्योंकि सो मैंने कुछ हैप्पी रहे भी ना, कॉम यू शो इज लाइक लिटिल टच, जैसे या शो। यू हैव टू हाँ, शो तो इट। भाई तो मर गया। नहीं नहीं जा। तो गाइस, ये अपने देखने जा रही है, इसके मन में लड्डू फूट रहे बेचारी के, बिकॉज आफ्टर अ लॉन्ग वे शी फाइनली गॉट हर ब्रेस्ट। शी और ये बेसिकली शी भी इज गोइंग इन द पता, टॉयलेट। सबसे सब वाली हैरानगी की गल है कि जिन्नी बार असि आए से ना, लाइक 3 वारी असि व्लॉग बनाया सी, डू नो दैट, बस इतने निराश हो गए सा कि सब व्लॉग अपलोड ही नहीं किया सी। आई गेस वी शुड हैव, एंड फिर ओ 3 व्लॉग अपलोड कर आज तक किया। करते, बट हाँ इट वाज वेरी हार्ड, बिकॉज पता इमोशनल हुंदा ना, एंड इट वाज जस्ट सो टफ एंड हार्ड। गाइस, अब वीरा बोलेगी दो शब्द मेरे साथ कि वीरा को कैसा लग रहा है। I'm just so happy guys, क्योंकि बहुत मैंने सफर किया, बहुत टाइम वेट की, लिटरली लाइक 9 months। 9 months में पीछे में ऊपर एंड जैसे लाइक दिख सके। हमने 4 बार व्लॉगिंग की और चारों बार वीरा को उन्होंने ना बोला था कि नहीं लग सकते, बिकॉज लाइक दे गिव सो मेनी लाइक प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स इश्यूज आ आउट। गई थी मेरा, फिर ट्रीटमेंट चला, ट्रीटमेंट के बाद सब जब ठीक हुआ,
एंड फाइनली यस, गॉट इट। फाइनली 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 सर, हमने वो 4 ब्लॉग्स नहीं अपलोड किए थे, और हम पता नहीं हम करेंगे या नहीं करेंगे, पर वी डोंट नो। पर पर फाइनली वी फाइनली गॉट इट। मैंने एंड बोला था कि जब एंड लगेंगे तब हम डालेंगे। तो गाइस, अब मम्मा और वीरा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए डेट ले रहे हैं, काफी टाइम लगता है पर मिल जाएगी होपफुली। गाइस, हम लिफ्ट में आ चुके हैं, अब हम जा रहे कुछ खाने के लिए, बिकॉज लिटरली वी आर स्टार्विंग एज ऑलवेज। तो गाइस सन हमें हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट मिल चुका है, और हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है 8 तारीख को। हाँ गाइस, वी हैव आवर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। या इज ऑन द 8th। एक्साइटमेंट, मदर एक्साइटमेंट। गाइस, हमारा नेक्स्ट अपॉइंटमेंट हमें मिल चुका है, वो है नवंबर में। या तो द प्रोसेस स्टार्ट। वीरा आ रही है धीरे धीरे, बिकॉज वीरा को एक प्रॉब्लम नहीं है, दो प्रॉब्लम है, बिकॉज हर फुट ब्रोक हिज वेल लास्ट वीक गाइस। तो गाइस, व्हाइट चप्पल मार्केट क्वाइट बिजी है, एंड इट्स रियली लुक्स सो नाइस, बिकॉज धूप भी चढ़ चुकी है। गूगल में लिखा हुआ था बारिश होगी पर नहीं हुई, बस बदल आए थे ऊपर। लाइक वी वेयरिंग आवर जंपर्स एंड कोट्स, बिकॉज लास्ट टाइम हम पूरी तरह भीग चुके थे बारिश। तो गाइस, हमने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो हमने सोचा कि ब्रेकफास्ट ही कर ले लंच के टाइम। सो इट्स कूल, लेट्स just go and eat anything to be honest, because literally we are hungry. So guys, mama order kar rahi hai, hame kuch samajh nahi aa raha, so we're vegetarian today, but I think we'll manage. So guys, humne ek milkshake mangwaya tha Veera ke liye, to hum tino pee rahe. So guys, ab hum ja rahe hain ghar, the train hame le jayegi ghar. तो गाइस, मैं करूंगी ब्लॉग को यहीं पर एंड, कर सारा काम खत्म हो चुका है, अब हम जा रहे हैं घर। अब आगे सोचते हैं हम क्या करेंगे क्या नहीं, अभी कुछ पता नहीं है, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग डे टू गो। सो इफ यू लाइक माय चैनल, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू न्यू टू इट। बाय गाइस, टेक केयर।